Hello students, hope you and your family members are safe at home. So my name is Anuradha Pradhan, Science Faculty, Great Mission Public School. So last class we have started the chapter number 8, A Trait for Mosquitoes. So in that chapter we have seen that Rajat, who had not been attending school for many days, and when he went to meet with their friends, okay, so the friends were having a conversation in that Rajat said that he was suffering from malaria. Okay, so how he came to know about malaria? By the blood report. Okay, so we came to know about how we can find out malaria. Now the next topic is anemia. So Aarti said that she also had a blood report, but in her blood report she found that she is suffering from anemia. So what is anemia? Anemia is a kind of we can say disease in which the percentage of hemoglobin is less. Now what is hemoglobin? Hemoglobin kya hai aur anemia kya hai? Anemia tab hota hai jab hamare blood mein hemoglobin ki kami hoti hai. Hemoglobin kya hai? Hemoglobin jo hamare blood mein blood ko form karta hai. Hemoglobin agar hamare blood mein hai to hamara blood percentage ज्यादा होता है. ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में नहीं है या बहुत कम प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो बहुत लो है. ओके, सो एनीमिया इज कॉज ड्यू टू लेस हेमोग्लोबिन इन अवर ब्लड. ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस हेमोग्लोबिन इन अवर ब्लड. इसीलिए हमें क्या करना है, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, जैसे कि हमें हमारा जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाए. ओके, इट हेल्प्स, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. अब हीमोग्लोबिन को हम कैसे बढ़ाएं? हम जो फूड लेते हैं उस फूड में आयरन होता है. आयरन मीन्स लोहा नहीं है, आयरन इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन और मिनरल. इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि विटामिन और मिनरल्स है, तो ऐसे ही आयरन भी एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है. और ये कहाँ से मिलेगा? हमारे फूड से. हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं उससे आयरन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को आयरन न्यूट्रिएंट मिलता है, और ये जो आयरन न्यूट्रिएंट है वो हेमोग्लोबिन को फॉर्म करता है. ठीक है, और जो हेमोग्लोबिन है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, ब्लड को बढ़ाता है. सो for that reason we have to take lot of iron food. Okay, iron food, that's why some food items like we can say jaggery, amla, isko to aapko gud, amla, okay, green leafy vegetables, ye hame apne diet mein apne khane mein roz lena hoga. Kyun? Kyunki agar hum isko proper way mein proper diet mein include karenge tab hame क्या मिलेगा? आयरन. ओके, अगर आयरन है तो हमारा जो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा. अगर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रेड सेल्स है वो इंक्रीज होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हमारे अंदर आयरन की कमी है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस, इट अफेक्ट्स अवर मेंटल ग्रोथ. ओके, हम जो मेंटली हमारे जो माइंड डेवलपमेंट है वो मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाएगा. ज्यादातर क्या होता है, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, स्ट्रेस होता है, ये सारे जो है आयरन की कमी के कारण होता है. इसलिए हम जितना आयरन लेंगे उतना हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा. ओके, सो आई एम गिविंग सम फूड, यू कैन सी दिस फूड्स आर रिच इन आयरन, सो वी हैव टू टेक दिस टाइप्स ऑफ फूड डेली इन अवर डाइट. ओके, सो नाउ वी विल सी द ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट हाउ वी कैन फाइंड the how we can find the deficiency of iron. okay, iron की कमी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें anemia है? हम blood report को देखकर पता लगा सकते हैं. अब चलिए हम देखते हैं blood report. so for blood report you have to open page number 70. okay, you can see this, there is a clinical pathology report both side. okay, so we can say that, see, name is written, age is written, sex is written. okay, now diagnosis, तो किसके बारे में diagnosis चल रहा है, किसके बारे में पता लगा रहे हैं? एनीमिया के बारे में. ठीक है,
तो यहाँ देखो हीमोग्लोबिन कितना है 8 gm per dL, लेकिन नॉर्मल कितना होना चाहिए 12 टू 16 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो 8-12 से बहुत कम है, ठीक है। और फिर आरती ने क्या किया, ये डेट देखो 26 2007 को ये टेस्ट किया था, और नेक्स्ट टेस्ट रिपोर्ट कब आई थी 15-9-2007 को, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है ये देख लो, हीमोग्लोबिन जो 8 था अब हीमोग्लोबिन बढ़ के 10.5, तो ये लगभग 12 के आसपास है, लेकिन 8 जो था 12 से बहुत कम था, ठीक है। और अभी जो नॉर्मल हमारा 12 टू 16 है उसमें एटलीस्ट थोड़ा आसपास 10.5 है, ओके। सो यू कैन सी द ब्लड रिपोर्ट एंड हियर यू कैन सी द रिपोर्ट इज गिवन एनीमिया, ओके। नाउ जस्ट यू सी एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। सो इन 17th November 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक ही साथ में क्या हुआ, वो एनीमिया से सफ़र कर रहे थे, इसलिए वो क्या होता है, वो मेंटली और फिजिकली हेल्थ को अफेक्ट करता है और एनर्जी लेवल को भी बहुत कम कर देता है। इसलिए हमें आयरन अपने खाने में जो आयरन होता है, ओके, आयरन न्यूट्रिएंट उनको ज़्यादा लेना चाहिए। सो नाउ आपके स्कूल में भी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं, ठीक है, आप भी टेस्ट करते हो और आपको भी क्या है हेल्थ कार्ड्स दिए जाते हैं स्कूलों में, ओके। सो ये सारी चीज़ें स्कूल में, जस्ट यू लुक एट दिस क्वेश्चन आंसर एंड फाइंड आउट व्हाट आर द आंसर्स। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है किसे, ये जो रिपोर्ट है, लुक एट आर्टिस ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट मैक्सिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन, मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन कितना है यहाँ पे, ये है 12, ठीक है। 12 जो है ये मिनिमम है और 16 जो है ये मैक्सिमम है, तो आपको लिखना है 12 gm per dL, ये भी gm per dL लिखना है, 12 gm per dL लिखना है। हाउ मच डिड आरती हेमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर इट, ठीक है। जो आरती का 8 था वो 10.5 चला गया, ठीक है, तो कितना बढ़ गया, तो 2.5 ज़्यादा बढ़ गया, ओके। देन हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लिया, तो यहाँ पे टाइम मेंशन है, आप देख सकते हो ये 6 है 7 8 9, तो 3 months हो गया, तो 3 months में हेमोग्लोबिन 2.5 बढ़ गया, ओके। सो व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया, व्हाट डज द न्यूज़, यहाँ पर है न्यूज़ दिस वन, ओके। सो आपको यहाँ से ढूंढ के इसका आंसर लिखना होगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड, सो ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, ठीक है। सो देन दे अफेक्ट बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, सो ये 2 points आपको वहाँ पे लिखना है, ओके। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीड टू गो टू ब्लड टेस्ट, व्हाई, व्हेन एंड व्हाई, अगर कोई आपके फैमिली में ब्लड टेस्ट, किसी ने भी ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन, कब करवाया था और क्यों करवाया था, ये आप खुद लिखेंगे। नाउ व्हाट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या फाउंड आउट किया गया था, ये आपको दिखाई दे रहा है एनीमिया, तो आपको लिखना पड़ेगा एनीमिया, ओके। हाउ सॉरी हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, ओके। अगर आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप कराया गया है देन यू विल राइट यस, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको वो लिखना है, ठीक है। सो आई होप यू विल कंप्लीट the work and tomorrow we will proceed further. Thank you and have a nice day.